गुड मॉर्निंग एवरीबडी वेलकम बैक टू सत्यम क्लासेस नाउ स्टार्टेड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम आइटम एम सिक्यू क्वेश्चन क्वेश्चन क्लास नाइन साइंस चैप्टर पार्ट टू आपका पार्ट टू चल रहा है चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रजेंट इन नियॉन नियॉन में कितना होता है तो नियॉन का आइटोमिक नंबर टेन तो टू एट वन से ज़्यादा थे तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रजेंट कितने हैं तो टेन तो इट मीन्स आपका नियॉन टेन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रूगेशन ऑफ सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रुगेशन ऑफ सोडियम तो सोडियम का एटोमिक नंबर एलेवन सोडियम का एटोमिक नंबर एलेवन चलिए एलेवन का टू एट वन तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रुगेशन ऑफ एलमोनियम इलेक्ट्रॉनिकल था लास्ट ऑर्बिट 13. 13 में थ्री इलेक्ट्रॉन इट मीनस आपका टू एट थ्री कौन सा हुआ? तो डी ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं वैलेंसी ऑफ द कार्बन वैलेंसी ऑफ कार्बन कार्बन का वैलेंसी कितना होगा तो कार्बन का एटोमिक नंबर सिक्स कार्बन सिक्स एटॉमिक नंबर सिक्स तो टू फोर टू फोर कार्बन नहीं है ब्रॉन सॉरी ब्रॉन ब्रॉन का फाइव फाइव हो गया एटॉमिक नंबर फाइव टू थ्री टू थ्री तो वैलेंसी आपका थ्री होगा इट मींस ऑप्शन डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वेलेंसी ऑफ आर्गन ऑर्गन के लिए वैलेंसी कितना होगा तो ऑर्गन 18 एटॉमिक नंबर 18 2 एट 8 इट मोस्ट ऑर्बिट अस्टेबल अस्टेबल में वैलेंसी कितना होगा तो जीरो वैलेंसी होगा तो जीरो तो आपका जीरो इट मीन सी सी आपका आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एन एटम ऑफ इच एलिमेंट हैज़ द डिफिनट कम्बाइन ऑफ कैपेसिटी इज नोन एज डिफिनट कम्बाइंड तो डिफिनट कम्बाइंड कौन लेते थे तो so, वेलेंसी का जितना भी इलेक्ट्रॉन होता था वो डिफिनट प्रपोर्शन में आपका भाग लेता था तो इट मीन्स जैसे आपका सोडियम क्लोराइड ही बनाना था सोडियम और क्लोरिन तो वन वेलेंसी वन वेलेंसी इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते थे तो डिफिनट परपोर्सन में लेता था सोडियम क्लोराइड तो इस तरह से आपका वेलेंसी इट मीन्स डी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ डिनोटेड बाय एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते थे तो एक्स इक्वल टू जेड ए जेड ए तो जेड आपका क्या शो करता था आपका एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास तो जेड आपका क्यों क्या शो करेगा एटॉमिक मास जेड आपका एटॉमिक नंबर और ए आपका एटॉमिक मास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन सी ऑप्शन जेड सैम्बल इज द एटॉमिक मास एटॉमिक मास नहीं।, तो तो नहीं तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन बोल सकते हैं है? तो प्रोटॉन यहाँ पर शो करेगा क्या शो करेगा सी प्रोटॉन इट मीन सी आंसर आपका सी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जेड फोर कार्बन एटम्स

सिर्फ ओनली प्रोटॉन के बारे में पूछा गया प्रोटॉन प्रजेंट इन द न्यूक्लियस एटम इसलिए आपका एटॉमिक नंबर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन एटम हैज द दोलोकुलर वेट 12 यू द प्रोटॉन प्रजेंट इन सिक्स सिक्स यू प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन अब कितना होगा तो सिक्स यू 12 में से सिक्स यू घटाएंगे तो कितना बचेगा सिक्स यू इट मे सिक्स डी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

To, the the same atomic number. Atomic number तो इलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर कब सेम होगा तो न्यूट्रॉन की संख्या जब सेम होगा न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि सेम होगा तो उसको हम क्या करेंगे एटॉमिक नंबर सेम है और जब डिफरेंट क्या एटो सॉरी सम ऑफ हैविंग द सम एटॉमिक नंबर बट बट डिफरेंट मास नंबर मास नंबर डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम तो इट मीनस प्रोटॉन सेम आपका प्रोटॉन क्या होगा इक्वल होगा प्रोटॉन इक्वल होगा एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब प्रोटॉन इक्वल और डिफरेंट मास तो मास डिफरेंट होगा तो क्या होगा न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा न्यूट्रॉन क्या होगा डिफरेंट यदि आपका एक्स ए एक और ये एक वाई जे और ये ये डच क्या होगा अनइक्वल तो प्रोटॉन नंबर सेम होगा और डिफरेंट मास नंबर इज है ड्यू टू डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर इट मीन्स आपका डी प्रोटॉन सेम होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर तो न्यूट्रॉन क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है इसलिए मास उसका डिफरेंट होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिलो द भीच ऑफ आइसोटोप इज नॉट फ्रॉम द हाइड्रोजन फैमिली हाइड्रोजन फैमिली का नहीं इसमें से कौन नहीं है प्रोटोनियम तो है ही, ही।

सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोप मीन्स आपका सी ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन देखिए इसमें से इनकरेक्ट मैंने गलत ऑप्शन कौन सा है रॉन्ग ऑप्शन चलिए आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम यूज एज ए फ्यूल यस yes. इसको फ्यूल में हम लोग यूरेनियम का जो यूरेनियम 92 और 235 है था इसका हम यूज कहाँ करते थे फ्यूल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में नेक्स्ट क्वेश्चन करा आइसोटॉप को बाल्ट इज यूज टू फूड प्रिजरवेटिव नो no. इसको हम लोग कहाँ करते थे फूड में नहीं प्रिवेंट फूड प्रिवेंटर में नहीं कहते थे कैंसर ट्रीटमेंट में बहल कर किस में कहते थे कैंसर ट्रीटमेंट में क्योंकि तो कुबार्ट सिक्सटी का यूज कहाँ होता था कैंसर ट्रीटमेंट में चलिए तो ये रॉन्ग हो गया आपका डी रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आइसोटोप ऑफ द आयोडीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्वेटर यस ये था आइसोटोप ऑफ कुबार्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हाँ यस सी सिक्सटी का हम लोग यूज कहाँ करते थे कैंसर में तो आपका बी इनकरेक्ट हो गया इट मीन्स बी आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इलीमेंट हैविंग द डिफरेंट एटोमिक नंबर नेक्स्ट आया है डिफरेंट एटोमिक नंबर बट सेम मास नंबर तो यह क्या कहलाएगा आइसो बार इट मीनस डी डिफरेंट एटोमिक नंबर बट मास नंबर क्या है सेम आपका तो ये कॉल्ड आइसोबार जब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इलीमेंट हैविंग द इलेवन एटोमिक नंबर फाइंड आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी इलेवन आपका एटॉमिक नंबर इलेवन तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी आपका इलेवन चलिए डी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्रिप्टॉन क्या होगा आपका नोबेल गैस होगा डी क्रिप्टॉन क्या था आपका सब हाइलोजन ग्रुप का इसको हाइलोजन ग्रुप को नोबेल गैस या इनर्ट गैस जिसको हम लोग क्या कहते हैं इनर्ट गैस इनर्ट गैस भी कहते हैं तो नोबेल गैस या नेट गैस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एलिमेंट हैविंग द वन मास ऑफ नंबर देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर वन मास नंबर मास नंबर वन है तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा वन डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक मास नंबर बी इज इलेवन देखिए इलेवन दिया हुआ है एटॉमिक मास नंबर व्हाट इज द न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास नंबर न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो सिक्स तो हो नहीं सकता है न्यूट्रॉन नंबर क्योंकि सिक्स होगा तो सिक्स सिक्स टूवेल्व हो जाना चाहिए न्यूट्रॉन भी सिक्स हो तो ट्वेल्व मास नंबर होना चाहिए तो ये तो होगा नहीं हाँ एटॉमिक नंबर क्या होता है प्रोटॉन की संख्या फाइव होता तो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो सकता है तो फाइव और सिक्स कितना हो जाएगा तो टूवेल्व न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा आपका सिक्स न्यूट्रॉन की संख्या सिक्स होगा न्यूट्रॉन की संख्या सिक्स होगा बट एटॉमिक नंबर का संख्या चलिए नेक्स्ट आपका ये प्रोटॉन की संख्या और ये न्यूट्रॉन की संख्या तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका सिक्स होगा इट इटमिस बी ऑप्शन नंबर पी एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था आपका नाइन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर नाइन सी ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सैम्बल ऑफ ब्रेलियम ब्रेलियम का बी ई बी ब्रॉन का बी ब्रेलियम फोर ब्रॉन फाइव फिर कार्बन सिक्स इटमिस बी आंसर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एल सेल इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्लोरीन, फ्लोरिन सो व्हाट इज इट्स वैलेंसी तो के एल एम इस तरह से तो टू टू फ्लोरिन का एटॉमिक नंबर नाइन तो टू सेवन अब इसको एटॉमिक नंबर कितना होगा तो सेवन इसको लिए एट कितने वन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो स्टेबल होने के लिए तो वन वैलेंसी आपका डी ऑप्शन नंबर डी नाउ थैंक यू